हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। जब भी हम अपना फ्लैक्स प्रिंटिंग करते हैं तो प्रिंटिंग चलाने से पहले हम क्या करते हैं, अपने वैक्यूम एंड हीटर को सबसे पहले ऑन कर देते हैं। तो इन दोनों को हम क्यों ऑन करते हैं? यदि क्या हम इसको ऑन नहीं करेंगे तो क्या हमारा प्रिंटिंग नहीं हो पाएगा? और यदि प्रिंटिंग होगा तो क्या सही तरीके से हो पाएगा? आखिर क्यों हम इस चीज़ को प्रिंटिंग चलाने से पहले ही ऑन करते हैं, तो अभी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर हमारा फ्लैक्स प्रिंटिंग मशीन है एंड यहाँ पर आपको वैक्यूम भी दिख रहा होगा। तो वैक्यूम को हम प्रिंटिंग चलाने से पहले क्यों ऑन करते हैं, मैं अभी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो ये हमारा अभी मशीन ऑफ किया हुआ है, तो मैं इसको ऑन करता हूँ। तो देन यहाँ स्टार्ट का बटन है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारा मशीन जो है ऑन हो चुका है। तो मैं आपको बताता हूँ कि प्रिंटिंग चलाने से पहले जो है हम वैक्यूम को ऑन करते हैं। वैक्यूम को जैसे ही हम ऑन कर देते हैं तो यहाँ पर जो हमारा ये मीडिया लगा हुआ है, तो ये क्या करता है, जब हम वैक्यूम को ऑन करते हैं ना, तो ये जो मीडिया इस पर अभी लगा हुआ है, तो ये जो आपको यहाँ पर छोटे छोटे जो है यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, ये जो छोटे छोटे से यहाँ पे निशान दिख रहा है, तो इससे क्या होता है कि हवा आती है एंड हवा जो आती है तो इस मीडिया को अपनी ओर खींच के रखता है। तो खींच के जो रखता है तो ये बीच में क्या होता है कि इस मीडिया में बबल नहीं आते बीच में, नहीं तो यदि बबल आते हैं तो ये जो आपको मशीन दिख रहा है इसका हेड टच हो जाता है, तो उस प्रिंटिंग में जो है लाइन आना शुरू हो जाता है एंड वो प्रिंटिंग भी खराब हो जाता है, क्योंकि हेड टच हो जाता है तो वो प्रिंटिंग खराब हो जाता है। तो इस कारण से हम क्या करते हैं कि प्रिंट चलाने से पहले सबसे पहले वैक्यूम को ऑन करते हैं। तो ऑन करने से आपको पता चल ही गया होगा क्या होता है। तो ये जो हमारा जो मीडिया लगा 10 फुट का मीडिया है एंड पूरा प्लेन प्लेन है, कहीं भी आपको बबल इस मीडिया में नहीं दिख रहा होगा। तो बबल इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि जब हम अपना वैक्यूम को ऑन करते हैं तो ये अपनी ओर खींच लेता है, तो जितना भी बबल होते हैं वो सारा इसमें दब जाता है, तो इस कारण से वो हमारा मीडिया बीच में बबल सा नहीं आता है एंड हमारा जो प्रिंटिंग होता है वो प्रॉपर तरीके से निकल जाता है। एंड जब हमारा प्रिंटिंग ख़त्म हो जाता है तो हम इस वैक्यूम को ऑफ कर देते हैं। एंड अब हम बात कर लेते हैं हीटिंग, ये जो आपको हीटिंग स्विच दिख रहा है, अब हम हीटिंग स्विच की बात कर लेते हैं। हम ये हीटर क्यों चलाते हैं? हम जब भी प्रिंट चलाते हैं तो ये जो हमारा ये बेड मीडिया है एंड फ्रंट मीडिया, ये हमारा पूरा ठंडा होता है, और जब हम अपना कोई डार्क प्रिंट चलाते हैं तो जो छोटे छोटे मैटर होते हैं उस पर वो कलर जो है भर जाता है एंड वो कलर कभी कभार छोटे छोटे जो मैटर होते हैं वो दिखते भी नहीं है। तो इस कारण से हम हीटर को ऑन कर देते हैं। जब हम हीटर को ऑन कर देते हैं तो ये चीज़ एंड फ्रंट मीडिया एंड बेड मीडिया, ये बेड मीडिया एंड ये फ्रंट मीडिया है, तो ये दोनों जो है हीट हो जाता है, मतलब गर्म हो जाता है। तो गर्म हो जब हो जाता है तो हमारा प्रिंटिंग जल्दी सूख भी जाता है, जो मैटर होता है छोटे छोटे मैटर जो उस पर लिखा हुआ रहता है तो उस पर जो है कलर भी फैल नहीं पाता एंड वो भी अच्छी तरीके से पढ़ने में आता है एंड वो दिखता भी साफ है। तो इस कारण से हम जो है सबसे पहले हीटर को चला देते हैं। हीटर को इसलिए चलाते हैं ताकि ये गर्म हो जाए तो मीडिया पर जब हम प्रिंट चलाएंगे तो वो प्रॉपर तरीके से निकले, कलर हमारा फैले ना और वो दिखने में भी अच्छा लगे। तो इस कारण से हम क्या करते हैं, सबसे पहले हीटर को चला देते हैं और उससे हमारा मीडिया भी जल्दी सूख जाता है, क्योंकि जब हम प्रिंटिंग करते हैं और कोई डार्क प्रिंटिंग होता है तो वो हमारा जो है सूख नहीं पाता। तो इस कारण से हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम हीटर चला देते हैं, तो जब हम प्रिंट डार्क प्रिंट चलाते हैं तो उससे हमारा जो प्रिंटिंग होता है वो जल्दी सूख भी जाता है। तो दोनों फायदा है, एक तो हमारा जल्दी सूख भी जाता है और यदि आपका छोटा छोटा मैटर है प्रिंटिंग में तो उस प्रिंटिंग में आपका जो कलर है वो फैलेगा भी नहीं, वो प्रॉपर तरीके से निकल जाएगा। तो इसलिए आपको प्रिंटिंग चलाने से पहले हीटर को ऑन कर देना। एंड हीटर में बहुत सारे फीचर्स भी दिया हुआ, आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा, ये मोड 1 दिख रहा है फ्रंट मीडिया हीटर, मतलब फ्रंट मीडिया हीटर में आप कितना इसको हीटिंग देना चाहते हैं, तो यहाँ से आपको ये बटन दिया हुआ है, यहाँ से आप इसको बढ़ा सकते हैं एंड घटा भी सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना हीटिंग में रखना चाहते हैं। इस पर ऊपर वीडियो बनाऊंगा और इसमें बहुत हीटिंग का सिस्टम दिया हुआ है, तो मैं आपको सब एक एक करके बताऊंगा। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि वैक्यूम एंड हीटर का क्या यूज होता है, और सबसे ज्यादा जो हमारा मेन यूज जो हम देखते हैं वो हीटर का होता है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि हम जब डार्क प्रिंट चलाते हैं और उसमें छोटा छोटा मैटर होता है, तो जब हम डार्क प्रिंट चलाते हैं और हीटर नहीं चलाते हैं तो वो जो होता है ना छोटे छोटे मैटर में वो कलर जो है थोड़ा भर जाता है एंड वो जो मैटर है वो पढ़ा भी नहीं जाता है। एंड यदि आप पहले हीटर चला देते हैं तो हीटर से क्या होता है कि आपका जो फ्रंट मीडिया एंड बेड मीडिया वो दोनों हीट हो जाता है। तो हीट जब हो जाता है और देन जब आप प्रिंट चलाते हैं तो वो जो आपका छोटा छोटा मैटर होता है ना, वो जैसे ही कलर उस पर जाता है तो वो जो है तुरंत सूख जाता है, तो देन वो छोटे छोटे मैटर पर फैल नहीं पाता है। तो इस कारण से प्रिंट चलाने से पहले आपको हीटर को ऑन कर देना चाहिए यदि आपका डार्क प्रिंट है, और यदि आपका डार्क प्रिंट नहीं भी है फिर भी आपको हीटर तो चलाना ही चाहिए ताकि आपका जो मीडिया है वो तुरंत ही सूख जाए, और सूखने में भी टाइम लगता है। और यदि आप अपना हीटर चला दोगे तो आपका जो प्रिंटिंग है वो हाथ का हाथ सूख भी जाएगा, और यदि नहीं सूखेगा तो फिर वो चपकने का भी डर होता है, क्योंकि वो कई बार होता है कि चपक जाता है। तो इस कारण से हम जो है हीटर को चला देते हैं। हीटर का काफ़ी सारा बेनिफिट है, तो आपको भी हीटर का यूज़ जरूर करना चाहिए। प्रिंटिंग चलाने से पहले आपको अपना हीटर ऑन करना चाहिए। एंड वैक्यूम का भी बहुत ही ज़्यादा यूज़ है, अभी आपको मैंने बता ही दिया है कि जितना भी बबल आता है वो अपनी ओर खींच के रखता है, तो वो जो हमारा मीडिया में जो बबल्स आते हैं वो सारा ख़त्म हो जाता है। एंड जब हम प्रिंटिंग करते हैं तो जो हमारा हेड टच कभी कभार हो जाता है बबल्स में, वो
बबल्स ख़त्म हो जाते हैं, और जब हम प्रिंटिंग चलाते हैं तो हमारा प्रिंटिंग प्रॉपर तरीके से निकलता है एंड उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।